भाई अभी हमने पूछा है उस साइड में जाकर के टाइगर है, बंगाल टाइगर और शायद लॉन भी देखने को मिल जाए, तो देखते हैं जाकर के। वहाँ कुछ लोग तो देख रहे हैं तो शायद होपफुली वहाँ मिले। फाइनली 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 बंगाल टाइगर देखने को मिल गया भाई। मैं आपको जूम कर दिखा देता हूँ भाई, बहुत बड़ा है तुम सीरियसली भाई। वो देखिए वो रहा पीछे बंगाल टाइगर। बेटा पीछे देख तू, चीकू कह रहा कहाँ पर है ये भाई। ये देखो आ गया पास, पास आ गया। ये देखिए भाई साहब कितना बड़ा है यार ये भाई। ये है मोस्ट अट्रैक्शन ऑफ दिस जू। ये देखो ओ भाई भाई ये देखो आवाज, ये देखो आवाज, देखो भाई ओ भाई ओए भाई बड़ी खतरनाक आवाज है यार। ओ माय गॉड शिट मैन। ये देख लो भाई हो, ये भी मतलब लकीली मिलते हैं देखने को, आवाज सुनने को आवाज मिलते हैं टाइगर की। ओ भाई साहब देखो भाई वही वाला टाइगर बाहर आ गया देखो ये खड़ा है बाहर है भाई चीकू, ये वाला टाइगर बाहर आ गया ना, देखो टाइगर बाहर आके खड़ा हो गया, मिल ले जाकर के तो देखो भाई वो देखिए सामने नाच रहा है मोर। ये देखिए गजब मस्त। वैसे आपको एक बार बता दूं, जब आप किसी चिड़ियाघर में जाते हैं तो वहां पर आप टाइगर देखते हैं तो ऐसा बहुत ही कम होता है जब आपको उसकी आवाज़ सुनने को मिल जाए। और आज हमने जब देखा तो आपको मैंने सुनाया क्या धांसू आवाज़ निकाल रहा था भाई वो टाइगर, मजा आ गया भाई। एक और बड़ी चीज़ देखने को मिलेगी जो है लेपर्ड, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ सामने लेपर्ड है। ये देखिए भाई ऊपर छत पर बैठे हुए हैं मस्त लेपर्ड, बहुत बढ़िया। उधर राहुल भाई अपना ब्लॉग बना रहे हैं इधर ये चीकू, चीकू देख रहा है, चीकू कैसा लग रहा है मस्त है, घूर के देख रहा है को, तू भी देख ले घूर के कोई दिक्कत नहीं। ये देखो हाँ कर ले, ये देखो ऑसम। ये देखो क्लोजर एक और आप वापस आएगा भाई, ये ऐसी राउंड लगाते रहते हैं, मैंने देखा है मैं जब अल्मोड़ा वाले जू में गया था तो वहाँ पे भी एक ऐसे लेपर्ड को देखा था, वो भी इस तरह से राउंड लगा रहा था भाई। यहाँ पर है ग्रे लंगूर जो कि आपको दिखाई देगा, वो बैठा हुआ ऊपर, ये बैठा हुआ, ये सब पीछे मुंह करके क्यों बैठे हुए हैं यार, मतलब अपनी बैक साइड इधर करके क्यों बैठे हुए हैं, इन्हें खाना नहीं मिला गया ये यहाँ पर कुछ रीसस बंदर हैं, रीसस मेरे ख्याल से वो देसी बंदर जैसे होते हैं हमारे गली मोहल्ले में छतों पर आ जाते हैं, ये वो वाले बंदर हैं। तो भाई यहाँ पर हम देख रहे हैं शाही चूहा है, ये चूहा होता है ना, ये देखो भाई ये है शाही जिसके ऊपर कांटे लगे रहते हैं, और भाई ये अपना इन्हीं कांटों से बचाव कर लेता है बड़े बड़े जानवरों से। भाई ये सामने है व्हाइट कलर में टाइगर, पता नहीं बंगाल टाइगर है या माउंटेन टाइगर है, माउंटेन बट ये देखो खड़ा भी हो गया पीछे, हो गया चीकू पीछे हो जा, इसे पीछे करो, पीछे करो, पीछे करो, पीछे करो, पीछे हो जाओ। ये देखो भाई साहब अल्टीमेट, ये व्हाइट टाइगर है मस्त भाई। अभी हमने मतलब टाइगर देख लिया है, जगुआर देख लिया है, लेपर्ड देख लिया है, रेनो देख लिया है, अब हमें इंतजार है लॉयन देखने का, तो हम लॉयन देखने जा रहे हैं, उसके बाद वहाँ पहुँच कर आपको दिखाते हैं लॉयन। ये देखो भाई रास्ते भी काफ़ी अच्छे बना रखे हैं, काफ़ी पक्के चौड़े, मतलब इन पर चलने का भी एक अलग ही मज़ा है। वहाँ सामने बहुत सारे बर्ड हैं भाई, सामने आ गया पुतला लॉयन का, इसका मतलब लॉयन इधर ही होगा भाई चीकू लॉयन देखेंगे हम लॉयन। तो भाई ये है लॉयन का बाड़ा, वो हो रहा सामने लॉयन। ओ भाई चीकू पीछे पीछे चलना नहीं है, ये देखो पीछे दिख रहा है ना, ये देखो लॉयन बब्बर शेर, बब्बर शेर है बेटा, वो ये जंगल का राजा,
भाई साहब वो जंगल भाई ये देखो, ओ मक्खियां मार रहा है बैठ करके, क्या करे मक्खी खाएगा। सही बात है बेचारा। हाँ अब बुढ़ा हो गया, बढ़ा गया अरे। वो बैठा लो ये, इसका एक घर भी बना रखा है, वो बैठा बरसात वगैरह में यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे आके बैठ सकता है। और नीचे यहाँ पर इनके लिए पानी भरा होता है जिसमें नहा सकते हैं, अपना घूम सकते हैं आराम से। ये देखो ओ भाई साहब, ये देखो भला भाई, अरे वहाँ जाके क्यों बैठ गया, धूप से धूप की वजह से। ये देखो तो भाई फाइनली हमने ड्राइन में देख लिया, बब्बर शेर भी देख लिया, अब हम जा रहे हैं क्रोकोडाइल देखने। वैसे हम क्रोकोडाइल देखने जा रहे हैं, अगर कुछ देखने को मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हमने शेर जैसी चीज़ देख ही ली है। लेकिन शेर यार बूढ़ा हो गया है वहाँ पर हमने देखा, लेकिन भाई कोई बात नहीं, शेर तो शेर ही होता है, आखिर जंगल का राजा भी है। तो राहुल भाई और जिया जी बताओ कैसा लग रहा है फाइनली। अरे राहुल भाई आओ इधर आओ यार, सही लगा, पैसे वसूल हो गए। चीकू कैसा लगा तुझे देख के बताओ, पर मस्त लग रहा है रियल में टाइगर देखे है ना, लॉयन देखा, हाँ उधर चल रहे हैं, उधर चल रहे हैं हम। अब भाई हम जा रहे हैं हाथी देखने के लिए, जो कि इंडियन हाथी है, और भाई साहब उनका साइज बहुत बड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से। ये देखो भाई, भाई बहुत बड़े हाथी हैं, आई थिंक आपको कैमरे में देख के नहीं लग रहे होंगे, वीडियो में देख के नहीं लग रहे होंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उनका काफ़ी बड़ा साइज है। मस्त, ये है इनका एरिया रहने के लिए, और इनके लिए शायद ये स्विमिंग पूल है। मस्त भाई, अब हम इधर जा रहे हैं, इधर जाने के बाद हमें शायद क्रोकोडाइल देखने को मिले, तो हम इसी उम्मीद से आगे जा रहे हैं, और वहाँ पर शायद क्रोकोडाइल और भेड़िया देखने को मिलेंगे, तो दिखाते हैं आपको अगर हमें देखने को मिलते हैं तो। भेड़िया के बाद तो भाई यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था है, और इनके हिसाब को अगर इमरजेंसी आ जाए तो लेडीज एंड जेंट्स दोनों टॉयलेट हैं यहाँ पर। ये देखिए सामने ये है कुतुब मीनार चिड़ियाघर का। यार सीरियसली वैसे बड़ा बहुत है चिड़ियाघर, इसलिए यहाँ पर ये जो वैन टाइप में फैसिलिटी दे रखी है वो सही भी दे रखी है, लेकिन अगर आपको जल्दबाजी में हो तो आप जल्दी से पूरा नहीं घूम पाओगे। अगर आपको घूमना है पैदल बिना किसी इस तरह की वैन के, तो आपको फिर टाइम निकाल करके आना पड़ेगा, आप कम से कम 3 घंटे तो आप मार के चलो घूमने के लिए। तो ये भाई यहाँ पर जगुआर, ये देखिए घूम रहा है अभी टाइगर टाइगर। हाँ चीकू क्या बोल रहा है, कोई चिल्ला रहा है, चलो भाई ये देखो यह क्रोकोडाइल भाई बिल्कुल बाहर पड़ा हुआ है पानी से निकल करके, और यहाँ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि ये नकली है। नकली नहीं असली है, क्या बोल रहा तू, नहीं बेटा नकली नहीं है असली है, वो लेटा हुआ है आँख बंद करके। चीकू बोल रहा है कि मामा जी वो नकली क्रोकोडाइल था, नहीं बेटा वो असली है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत सारे भेड़िए जो कि एक बार में घूम रहे हैं, तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये देखो वो सारे भेड़िए घूम रहे हैं, ये आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखो ये देखो ये सारे भेड़िए हैं यहाँ पर। ये देखो एक आया पास में, गजब। भाइयों वैसे हमने मोस्टली चीज़ें देख ली हैं, और अब शाम का टाइम भी होता जा रहा है, तो जू के बंद होने का टाइम भी हो रहा है। ये देखिए शाम का नज़ारा कुछ ऐसा जू का, लोग अब एग्जिट कर रहे हैं जू से, और उसी तरफ हम भी जा रहे हैं। ये देखो भाई यहाँ पर, ये देखो भाई यहाँ पर एक और बाघ देखने को मिलेगा, ये देखो भाई यहाँ पर एक और बाघ देखने को मिल गया जाते हुए घूम रहा है। ये भाई राहुल, ये राहुल भाई किस चीज की वीडियो बना रहे हैं देखते हैं। ओ शुतुरमुर्ग, ये देखो ऑस्ट्रिच, देखो ऑस्ट्रिच भाई, ये है शुतुरमुर्ग, फाइनली जाते हुए हमें ये भी देखने को मिल गए। ये देखिए भाई बहुत बड़े हैं, इनका ही होता है 2 किलो का अंडा।
भाई साहब मस्त। हाँ बहुत तेज भगते बेटा, ये तुझे अपनी कमर पे बैठा के भग जाएंगे। हाँ ये देखो राहुल भाई क्या बता रहे थे इनके बारे में, पैर बहुत मजबूत होते हैं इनकी, एक लात पड़ जाते इंसान मर भी जाता है। अच्छा ओ भाई साहब, भाई बड़ी मजबूत हैं, लेग्स मार दूंगी भाई जिम में बढ़िया। मस्त भाई ये देखिए भाई, मैं आपको और क्लोज से दिखा देता हूँ भाई, वाकई में बहुत बड़े हो रहे हैं यार, ये तो बहुत बड़े होते हैं। देखियो इस तरह इनका अंडा होता है भाई 2 किलो का, ये खुद इतने बड़े देख रहे हो भाई, जबरदस्त प्यार देखो भाई इनके पाँव। भाई ये देखो एक ऑस्ट्रिच यहाँ पर पानी पी रहा था, ये देखे क्लोज से, ऑसम भाई। मस्त है भाई। तो दोस्तों हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें देख ली हैं, अब हम जा रहे हैं बाहर, और बाहर को जाते हैं हमने ऑस्ट्रिच भी देखा यानी कि शुतुरमुर्ग। अब देखते हैं अगर कुछ पड़ता है रास्ते में तो ठीक है, वरना कोई भी कोई बात नहीं, हम अपनी वीडियो गैन वहीं कर देंगे। भाई ये गाड़ी अभी वापस आते हुए जू के अंदर से, एक ही आ गई, ये देखें। तो बाहर आकर हम जा रहे हैं अपने हेलमेट लेने के लिए, जो कि हमने जाते हुए एंट्री करते हुए जू में हमने रखे थे एक दुकान पर, तो हम वापस ले रहे हैं। ये ले लिए भाई हेलमेट वाले बैठ गए अपने वापस। तो चीको तूने टाइगर भी देख लिया, लायन भी देख लिया, एलिफेंट भी देख लिया, शुतुरमुर्ग भी देख लिया, तो कैसा लगा तुझे सारा चिड़ियाघर? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, मज़ा आया, दोबारा आएगा, 100 नंबर दे रहा है, वाह वेरी गुड। तो भाइयों चीकू को तो ये चिड़ियाघर बहुत अच्छा लगा, अब आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, आपको ये चिड़ियाघर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको पसंद आई है तो, और शेयर भी जरूर कर देना यार। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपना ख्याल रखिए।